Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter Factors Impacting Establishment of Industries. One of the features of modern industries is that they are extremely mobile and constantly keep changing their location. Many regions which got industrialized, where hundreds of factories were established and lakhs of labor settled, are deserted today because the industries have migrated. In the 1970, most important cities in India such as Mumbai, Delhi, Chennai, Indore, etc. had huge cloth mills. In the 1980, almost all the closed down and power looms that produced at a much faster rate came up in absolutely new locations. Similarly, in America, factories in areas which had huge car production facilities have closed down. Today's industries are divided into small units and spread across the world. What are the factors which determine the location of industries? There are many factors, but the determining factor is profit. At any point, a capitalist will invest in setting up a factory in a location that is profitable for them and will continue to do so as long as it is still more profitable than other locations. Which location will yield high profit depends on the factors of region, production techniques, raw materials availability, market, transportation facilities, industrial and taxation policy of the state, and most important availability of skilled and low paid labor. देखिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रही हैं और काफी मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लोकेशन पे है. मतलब आपका यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, एक बार किसी जगह पर उन्होंने क्या किया, अपना प्लांट जो है सेटअप किया, फिर वहाँ पर से कुछ टाइम पर वहाँ रहे, फिर हो सकता है कि वहाँ पर मिनरल रिसोर्स ख़त्म हो गया, कुछ और रीज़न के वजह से क्या होता है, वहाँ पर से जो लोकेशन है, जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. बहुत सारे रीजन जो हैं वो नए जगह पर जाकर फिर से फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं. ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं, बहुत सारे लैक्स ऑफ लेबर सेटल होते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थी और लेबर्स थे, वहाँ पर आज का एक डेजर्ट आपको दिखाई देगा क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्रीज जो है वो अब माइग्रेट हो गई है, दूसरी जगह चली गई है. 1970 में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज थी इंडिया में वो आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर थी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉटन मिल्स थे जो कि 1980 में मतलब 1980s पे थे. ठीक है, और वो आज के टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे जो आपका जो क्लोथ मिल है वो क्लोज्ड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं. पावर लूम्स जो हैं वो अब ज़्यादा रेट में, फास्टर रेट पे बनाई जा रही है. लोकेशंस, नए नए लोकेशंस उसके लिए ढूंढे जा रहे हैं और वहाँ पर पावर लूम्स फैक्ट्रीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं. उसी तरीके से अमेरिका फैक्ट्रीज जो एरियाज है, ह्यूज कार प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो हैं वो भी वहाँ पर क्लोज्ड हो चुकी हैं. और आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो दो मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुके हैं, जैसे कि एक आपका स्मॉल यूनिट्स हो गया और दूसरा जो है वो जो कि पूरे वर्ल्ड में है. जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन क्या होना चाहिए, वो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं. सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका प्रॉफिट होता है. ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, उनको एक जगह वो सेटअप करते हैं और फिर जब वहाँ का जो सामान एरिया है वो हो सकता है जब कॉस्टली होने लग जाए या फिर वहाँ के रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो जाए तो वो क्या करते हैं, दूसरे जगह माइग्रेट हो जाते हैं. तो माइग्रेट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट. अगर उनको उस जगह पर अब प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा तो वो अपनी अपनी पूरी फैक्ट्री को ले जाके दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं ताकि दूसरे जगह पर वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो. अब प्रॉफिट के लिए उनको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका क्या हो गया कि प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मार्केट कितना दूर है आसपास में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं, इंडस्ट्रियल टैक्सेशन पॉलिसीज को ध्यान पे रखना है, क्या है स्टेट की जो टैक्सेशन पॉलिसी वो क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका स्किल्ड और लो पेड लेबर. अगर वहाँ पर स्किल्ड लेबर हैं और उनको पैसे कम देने पड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज वेयर मच लेस डेवलप्ड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी. ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ आयरन ओर एंड कोल वेयर यूज टू प्रिपेयर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्टील, सो स्टील प्लांट्स वेयर सेटअप नियर द माइंस सो दैट रॉ मटेरियल नीड
need not to be transported to far off places, but with time high quality ore in the mines got depleted and had to procured from far off places. In this situation, the steel industry began to shift to more suitable locations. When transportation facilities began to develop, the industries began to shift to places where skilled and cheap labor was available. Industrialists found that workers in older locations had become organized and had fought for higher wages and better facilities. Under pressure from workers in those areas, many new laws in favor of workers had been enacted too, which ensured that workers were compensated if laid off, or government regulated minimum wages and regulated work hours, etc. The industrialists began to set up their industries in colonies or countries where because of poverty, laborers were ready to work at low wages, where laws for labor welfare are not in place and labor was not organized. This became possible because of rapid expansion of fast transport that was cheap. For example, iron ore mined in Dantewada is transported 250 kilometers away to Visakhapatnam port through a pipeline in slurry form. There, the slurry is made into pellets and exported. It is called the Kirandol Visakhapatnam slurry pipeline. A similar pipeline project exists in Odisha too. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है. जो ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज हैं वो आपका 18th और 19th सेंचुरी में काफ़ी कम डेवलप्ड हुए थे. उस टाइम पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ह्यूज क्वांटिटीज जो थे आयरन ओर के या फिर कोल के, उसको स्मॉल क्वांटिटीज में क्या किया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था स्टील के, और फिर उसको दूसरे जगह भेजा जाता था. तो जो स्टील प्लांट्स थे वो ऐसी जगह पर सेटअप किए गए जहाँ पर माइंस अवेलेबल हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं, जहाँ पर आसपास में रॉ मटेरियल्स हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन उनको बहुत ज़्यादा दूर तक ना करना पड़े. तो ऐसे जगह में आपका स्टील प्लांट्स का सेटअप हुआ. लेकिन देखिए क्या हुआ, हाई क्वालिटी जो ओर थे माइंस के, वो क्या हो गए, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए. और उसके बाद में फिर उनको क्या करना पड़ा, दूसरे जगह से जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं वो लाने पड़े. इस सिचुएशन में जो स्टील इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे उन्होंने अपना लोकेशन जो था वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे जा पाए और वहाँ पर आपका रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से अवेलेबल हो. जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो थी वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी, तो इंडस्ट्रीज जो थी वो भी क्या हो गए, शिफ्ट होने लगे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर उनको स्किल्ड और चीप लेबर जो है वो अवेलेबल मिल जाए. मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो डेवलप होने लग गई, तो यहाँ पर उनके पास में अब ट्रांसपोर्टेशन तो उनको कहीं से भी हो जाना है. अब वो ऐसे जगह पर डेवलप होने लगे जहाँ पर उनको स्किल्ड लेबर भी मिले और साथ में उनको पैसे भी कम देने पड़े. इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स थे जो पुराने लोकेशंस पे जो थे वो अब क्या हो गए थे, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो गए थे और अपने हायर वेजेस के लिए, ठीक है, ज़्यादा पैसे देने के लिए लड़ने लगे थे, और बेटर फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, हायर वेजेस और बेटर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए वो लोग वहाँ लड़ने लगे थे. तो इसके वजह से क्या हो रहा था, जो ओनर्स थे वर्कर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, जिस वजह से उनको नए लॉज जो थे जो कि वर्कर के फेवर में हो वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने पड़े, बनाने पड़े. उसके बाद में वहाँ पर धीरे से क्या हो गया, आपका गवर्नमेंट रेगुलेटेड मिनिमम वेजेस भी वहाँ पर उनको लगाने पड़े. तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि फैक्ट्री क्या हो गई, दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ पर आप दूसरे जगह पे जब जाते, ठीक है, दूसरे जगह पे जाते तो वहाँ पर फिर से आपका क्या हो जाता था, जो लेबर्स वहाँ पर उनको मिलते थे वहाँ पर वो आराम से उनको लो वेजेस पे रख लेते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था, ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं रहते थे, कोई लेबर जो है वो हाई वेजेस के लिए लड़ेगा नहीं. इस तरीके से क्या होता था, वहाँ पर जो लोग थे दूसरे जगह पे, मतलब जो इंडस्ट्रीज थे वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होती थी, और वहाँ पर जो लेबर्स थे उनको वहाँ पर लो वेजेस पे वो लोग अपॉइंट कर लेते थे, ठीक है. अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और चीप हो गया. तो ट्रांसपोर्टेशन भी चीप हो गया और यहाँ पर लेबर्स भी जो थे वो चीप हो गए, तो यहाँ पर जो ओनर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अपना जो मतलब प्रॉफिट जो है वो कमा ले रहे थे. अब यहाँ पर देखिए, जब ट्रांसपोर्टेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया और ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, तो यहाँ पर आयरन ओर जो है, ठीक है, मतलब अब वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया है कि आयरन ओर जो कि दंतेवाड़ा में माइन किया जाता है, तो उसको
250 किलोमीटर्स दूर, ठीक है, विशाखापट्टनम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पाइपलाइन स्लरी के फॉर्म पे। तो वहां पर विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद में जो स्लरी है उसको पैलेट्स और पैलेट्स और पैलेट्स में बनाया जाता है और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, किरंडुल विशाखापट्टनम स्लरी पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। सिमिलर पाइपलाइन जो है वो उड़ीसा में भी है, एग्जिस्ट करता है। ये आपका पार्ट है दंतेवाड़ा विशाखापट्टनम स्लरी पाइपलाइन का। यहाँ पर से क्या है, आयरन और सॉल्यूशन जो है वो बनाया, मतलब बनाया जाता है और फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम में। आपका नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल से। थैंक यू।